रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, लेकिन वहां फंसे भारतीय छात्रों को निकालने का काम अपने अंतिम चरण में है। सरकार का ऑपरेशन गंगा सफलता के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर है। यूक्रेन से भारत लौटे छात्र घर पहुंचकर जहां खुद को खुशकिस्मत समझ रहे हैं, तो वहीं वो अपने अनुभवों को भी साझा कर रहे हैं। घुमाना का सौरभ जैन भी यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। सौरभ जैन 1 मार्च को हंगरी पहुंचा और 4 मार्च को ऑपरेशन गंगा के तहत वापस स्वदेश लौट आया। सौरभ ने बताया कि यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ तो अलर्ट जारी कर दिया गया था। सौरभ ने बताया कि हालात वहां इतने खराब हो गए थे कि उन्हें 3 दिनों तक बंकरों में छिपकर रहना पड़ा। स्टेट मेडिकल एकेडमी में हम लोग 24 तारीख को जैसे हम सो रहे थे सब रात में, तो सुबह एकदम से धमाके की आवाज़ से हमारी नींद खुली, तो हमें लगा पहले कि कोई एक्सीडेंट हुआ होगा आसपास। तो हमने बाहर देखा तो एक और धमाके की आवाज़ आई, तो हम सब थोड़ी देर के लिए डर गए थे कि अब ये क्या हुआ। तो फिर हमने न्यूज़ वगैरह देखी तो पता लगा कि रशिया ने वॉर शुरू कर दी है। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल था पूरे देश में, तो हम लोग फटाफट गए, जो भी सामान मिला हमें उठा के लाए खाने पीने के लिए कि कमी ना हो जाए बाद में। और फिर उसके बाद वही है, बार बार सायरन बजते रहे, हम लोग बंकर्स में जाते थे, फिर जैसे ही सब शांत हुआ फिर वापस बाहर आना। पहले 26 तारीख तक हम एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते रहे। उसके बाद जब 26 को कॉन्टैक्ट हुआ तो एम्बेसी ने हमें बोला कि अभी रुक जाओ, हम और बच्चों को निकाल रहे हैं। उसके बाद एम्बेसी ने हमें 28 को बोला कि तुम लोग निकल सकते हो, अपनी ट्रेन्स लो, अपना अरेंजमेंट करो। तो हमने वहाँ से फिर बस कराई, 1 तारीख को हमने बस लेकर निकले। हमने देश का तिरंगा लगाया, हमें अपने तिरंगे पर बहुत मान है। हमारे तिरंगे ने हमें बॉर्डर तक बिल्कुल सेफ पहुंचाया। जितनी भी चेक पॉइंट्स थी हमें वहां पे सिर्फ चेक किया जाता था कि इंडियंस ही बैठे हैं ना, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। उसके बाद हमने बॉर्डर क्रॉस करा, उसके बाद एम्बेसी ने हमारी पूरी हेल्प करी। वहां पे बहुत सारे वॉलंटियर्स थे, हंगरी बॉर्डर हमने क्रॉस किया था, वहां पे हमारी बहुत हेल्प की गई, हमें खाने को दिया गया, पानी दिया गया। उसके बाद हमारा आगे का पूरा अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने करवाया। उसके बाद फिर हमें फ़्लाइट्स दिलाई गई, हम वापस घर आ पाए। उसके लिए हम अपने देश की सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमारे जो मिनिस्टर थे हरदीप सिंह पुरी जी, उनका भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे लिए वहाँ तक आए और उन्होंने हमारे लिए इतना किया। सौरभ ने बताया कि भारतीय एम्बेसी से जब उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने 27 फरवरी को निकलने की सलाह दी, लेकिन हालात खराब होने के कारण वहाँ से 1 मार्च को निकले और हंगरी बॉर्डर पर पहुँचे। सौरभ ने बताया कि हंगरी बॉर्डर पार होने के बाद वहाँ उनकी मदद की गई, उन्हें शेल्टर होम में रखा गया और आखिर में 4 मार्च को वापस भारत लौट आए। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।